ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओके मैं पढ़ रहा हूँ विवेक शतकम से एंड दिस इज टेक्स्ट 4 या टेक्स्ट 5 ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं लेट्स सी क्या है ओके प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं एंड जैसे कि हम बात कर रहे थे विवेक शतकम महाराज ने अपनी साइट पर रिलीज की है और ये बुक बता रही है कि किस तरह माया और कृष्ण के बीच में अंतर पता लगा सकें क्योंकि वो लगाना बहुत मुश्किल है जैसे अंधेरा प्रकार जैसे दूध और पानी में अंतर पता लगाना मुश्किल है उसी प्रकार माया और कृष्ण में फर्क पता लगाना बहुत मुश्किल है उसके लिए गाइडेंस चाहिए जैसे हम सुबह ही बात कर रहे थे स्वार्थ की बात कर रहे थे वेल स्वार्थ क्या है ये भी समझना बहुत मुश्किल है सो प्रबोधानंद सरस्वती यहां पे लिख रहे हैं इज राइटिंग आई एम एनीवे संस्कृत में पढ़ता हूं अति अल्प उदर पुराणाय पूर्णाय वो कह रहे हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन एक भक्त हमेशा अपनी निंदा करता है आप कहोगे कि अपनी निंदा करने से तो आप डिप्रेस हो जाओगे अगर आप अपने बारे में बोलते रहो कि मैं ऐसा हूं ऐसा हूं मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हम अपने भी नहीं है अपने तो एक्चुअली कृष्ण ही है भक्त केवल निंदा ही नहीं करता रहता अपनी भक्त भगवान और भक्तों की प्रशंसा भी करता है वो दीनता में अपने बारे में कह रहे हैं कि अल्प अति अल्प उदर पूर्णाया मैंने अपना पूरा जीवन अपना पेट भरने में निकाल दिया है बस ये है उसको क्या बोलते हैं पेट भरने को क्या बोलते हैं व्हाट्स दैट बिंज ईटिंग पता है आपको किसी को पता है बिंज ईटिंग एक्चुअली जब आदमी बहुत स्ट्रेस में होता है ना तो ज्यादा खाता है पता है आपको जनरली छोड़ भी देते हैं जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो छोड़ देते हैं मगर अदरवाइज ज्यादा खाने लगते हैं लोग स्ट्रेस हटाने के लिए उसको कहते हैं बिंज ईटिंग तो अमेरिका में काफी लोग मोटे हैं बाहर की कंट्रीज में बहुत मोटे होते हैं लोग एक्सट्रीम उसका कारण है स्ट्रेस क्योंकि स्ट्रेस की वजह से वो खाते रहते हैं अति अल्प उदर एक्चुअली आयुर्वेद में लिखा है कि सबसे ज्यादा नरिशिंग तो नरिशिंग को कैसे कहते हैं पुष्टिकरण करने वाला सबसे ज्यादा पौष्टिक खाना है खुशी दैट्स ऑल दैट्स इंटरेस्टिंग जो खुश है वो हमेशा मोटे रहते हैं नहीं जो खुश है वो मोटे आते हैं जो मोटे हैं वो जरूरी नहीं है खुश होते उल्टा नहीं होता वो कह रहे मैंने पूरा जीवन पेट पालने में लगा दिया भरने में लगा दिया बस कूद हिया और मैं इतना मूर्ख हूं विकृतम आयुर्मया कि मैंने अपना पूरा जीवन बेकार में ऐसे ही स्पेंड कर दिया बिना भगवान की भक्ति किए और दैट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि मतलब प्रबोधानंद सरस्वती एक्चुअली शीला प्रभुपाद भी अपने एंड डेज में शीला प्रभुपाद भी अपने डिसाइपल से कह रहे थे एक्चुअली उनकी आंखों में आंसू थे प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं फेल हो गया प्रभुपाद ने बोला कि मैं फेल हो गया प्रभुपाद जैसे व्यक्ति ने और शीला प्रभुपाद कह रहे हैं मैं फेल हो गया तो डिसाइपल्स
सुन रहे थे, फिर प्रभुपाद ने कहा मैं फेल, उन्होंने कहा प्रभुपाद ऐसा क्यों? प्रभुपाद ने कहा क्योंकि क्योंकि मैंने मूवमेंट शुरू किया था कलयुग को रोकने के लिए, कलयुग तो और बढ़ गया। सो हर डिवोटी, मगर प्रभुपाद से ज्यादा किसने किया है? किसी ने भी नहीं किया, नहीं, बट प्रभुपाद अपनी दीनता में ऐसा कह रहे थे। प्रबोधानंद सरस्वती अपनी दीनता में कह रहे हैं, मगर वो जो दीनता में कह रहे हैं वो हमारी असलियत है। दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम खाने में इतने इंटरेस्टेड होते हैं जितने भगवान में नहीं होते। अगर भगवान में इतना इंटरेस्टेड होते तो एक आदि जी के दिन खाना याद ही नहीं आता। दैट्स हाउ इट गोस। श्री कृष्णम जगत एक पालन परम त्यक्त्वा निपर्णाम करे। और मैंने भगवान को छोड़ के पूरे जीवन गलत लोगों की सेवा करने में निकाल दिया है। एक्चुअली ब्राह्मण के लिए क्या आता है, जो वेदांत देशिका एक डिवोटी थे, वेदांत देशिका ने अपनी पोयम लिखी। वेदांत देशिका कह रहे हैं कि मैं अपना गला कटवा दूंगा मगर मेरा गला विष्णु के सिवाय किसी के सामने नहीं झुकेगा। दैट्स हाउ इट गोस। शिला प्रभुपाद ने बोला भी था कि सोसाइटी में लोग जॉब करते हैं और इतना देर सो प्राउड इजंट इट, लोग कहते हैं नहीं मेरी जॉब लग गई, मेरी वहां पे जॉब लग गई, वहां पे जॉब लग गई। एक्चुअली प्रभुपाद कह रहे हैं सब शूद्र हैं, क्योंकि शूद्र लोग जॉब करते हैं, है नहीं? जॉब शूद्रों के लिए होता है। वैश्य जो हायर क्लास लोग हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, क्योंकि जॉब वो करता है जिसको रिस्क लेने में डर लगता है भाई चलो पैसे मिल रहे हैं काम हो गया। हायर क्लास आदमी बिजनेस करता है, और उससे हायर क्लास आदमी कुछ भी नहीं करता। दैट्स व्हाई इट गोस। ब्राह्मण वो केवल भगवान की सेवा करता है। कुछ नहीं करना बहुत मुश्किल है, आप करके दिखा दो मान जाएंगे। आखे आप एक हफ्ता मंदिर में रहकर दिखा दो, मैं भक्ति छोड़ दूंगा। सीरियसली आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि क्या कर रहे हो यहां? यू कांट स्टे लाइक दैट। पीपल आर एडिक्टेड टू डू सम वर्क, एडिक्शन है। कुछ लोग तो वर्कोहॉलिक्स हैं। वर्कोहॉलिक्स सुने? काम करे बिना उनको चैन नहीं मिलता। क्या क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही बाहर? या मैं धीरे बोल रहा हूं? हरे कृष्णा हरे। अब ठीक है, अब तो आवाज बढ़ गई, हो गया, ठीक हो गया। सो दैट्स हाउ इट गोज। मैं क्या कह रहा था, मैं तो भूल ही गया। लो वर्कोहॉलिक्स हैं, तो 24 घंटे भगवान की सेवा करना और कुछ नहीं करना, दैट इज सुप्रीम इंटेलिजेंस। कुछ भी नहीं करना इस संसार से, हमें इस संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो हम क्यों करें काम यहां पर? हमारा घर ही कहीं और है या नहीं? एटलीस्ट प्रभुपाद ने लिखा था लेटर इंदिरा गांधी, किसको किसको लिखा था, गांधी को, गांधी जी को लेटर लिखा था। प्रभुपाद ने उस लेटर में लिखा है कि हमारा घर इस संसार में नहीं है, हमारा घर गोलोक में है, और मैं मेरे पास ऐसा फॉर्मूला है कि मैं सबको भगवान के गोलोक ले जा सकता हूं। और फिर प्रभुपाद ने लिखा कि मेरा ऐसे कहने पे आप जरूर मुझे पागल आदमी समझेंगे। प्रभुपाद ने कहा कि मैं पागल नहीं हूं, इस संसार के सब लोग पागल है। That's what he was saying. So, द्वारी द्वारी पर भावो न भवतो दुखम समासादितम। इसकी ईको बढ़ गई ना, बहुत बेकार हो गया है। प्रॉब्लम दिया एक्चुअली, पता है या yeah. आप लोग अंदर आ जाओ, अंदर आ जाइए, अंदर भेज दी जगह है। इस पे कमिंग मेस्ट अप। हरे कृष्ण। ओके सो वो कह रहे हैं द्वारी द्वारी पर भावो न भवतो दुखम। So, प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि भगवान आपको छोड़ने पर मुझे हर क्षण केवल दुखी मिला है,
पराभाव अनुभव तो हर जगह मुझे डिफीट मिली है इस संसार में। जो भगवान से नहीं जुड़ा उसको दुखी मिलेगा और क्या होगा, ये तो निश्चित है। अगर आप सुख की कल्पना भी करोगे भगवान के बिना तो उसका अंत दुख में होगा और कुछ नहीं होने वाला। मतलब 1+1 क्या होता है, 3 तो नहीं होता पक्का। तो ऐसे ही है इस संसार में, दुखी है, सुख है पक्का नहीं है। और जैसे 1+1 2 है, ऐसे इस संसार में सुख नहीं है। ये नियम है संसार का। अगर शुरू में सुख लगेगा तब भी उसका अंत दुख में ही होगा, ये संसार का रूल है। द्वारी द्वारी पर भाव अनुभवतो दुखम समासितम ये न दाई तनुर नरस्य भगवान देव समय विस्मृत। और इस तरह मैंने अपना पूरा जन्म भगवान को भुलाकर बिता दिया। दैट्स प्रबोधानंद सरस्वती। प्रबोधानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि भगवान आपको भुला के मैंने अपना पूरा जन्म बिता दिया, तो हमारी क्या औकात है। ही इज सेइंग, मतलब ऐसे डिवोटीज अगर भगवान को एक सेकंड भी भूल जाते हैं तो वो कहते हैं मेरा जीवन नष्ट हो गया। क्योंकि भगवान का विस्मरण, भगवान के विस्मरण को मृत्यु काल बोलते हैं, मृत्यु काल। भगवान के स्मरण को बोलते हैं विष्णु काल। तो इस संसार के सब लोग मृत्यु काल में जी रहे हैं क्योंकि भूले बैठे हैं ना, और डिवोटीज विष्णु काल में जी रहे हैं क्योंकि वो भगवान का स्मरण करते रहते हैं। मगर जब भगवान को भूल जाओगे तो मृत्यु काल में चले जाओगे। सो इस तरह से प्रबोधानंद सरस्वती दूसरों को भी कह रहे हैं कि क्यों मग्ना सम प्रतिबंधुर कृत्य, क्यों इस संसार में अपने बंधुओं और भाइयों में मग्न हो। किम कुर्महे दुर्धिया, क्यों भगवान कृष्ण की शरण नहीं ले रहे। प्रबोधानंद सरस्वती सबको एडवाइस कर रहे हैं क्यों गलत लोगों से अटैच्ड है। इनफैक्ट हमारे शास्त्र तो यहां तक कह रहे हैं कि सबसे बड़े दुश्मन हमारे संबंधी हैं। भागवत तुम तो उससे भी बढ़ के कह रही है ये संबंधी सबसे बड़े डाकू हैं। बड़ा है, पढ़ा है नहीं, बड़ा है दस्यु डाकू है। डाकू तो फिर भी एक बार लूटता है, संबंधी बार बार लूटते हैं। समझे नहीं समझे अपने ही लोग। भागवत में सिंह बट सो इट माइट, आपको लगेगा ये कैसी उल्टी फुल्टी बात है, बट ऐसे ही है, ये फैक्ट है। सबसे तो कह रहे हैं कि क्यों इस इन सब चीजों में फंसे पड़े हो। भगवान कृष्ण की शरण लो जो कि नौर अस्माभि आश्रित मधुपुरी यत् कर्णधार हो रही, क्योंकि भगवान कर्णधार है, ही इज अ कैप्टन। कर्णधार भागवत में भी शब्द आ रहा है, ही इज अ कैप्टन ऑफ द बोट। वो कैप्टन है उस नाव की जो आपको भवसागर से पार करा सकती है। तो कहने का मतलब है कि आपको केवल नाव में बैठना है, नाव चलाएंगे भगवान। आप बैठोगे नहीं तो फिर क्या होगा, या बोर्ड ही नहीं करोगे शिप तो कहां से पहुंच जाओगे। भगवान तो रेडी है शिप को नेविगेट करने के लिए। शास्त्रों में लिखा कि भगवान कैप्टन है उस बोट के, और जो हवाएं हैं वो वेदों का ज्ञान है जो बोट को सही दिशा में ले जाती है, और हम उसमें बैठ जाएंगे बस। दैट्स ऑल। भगवान कह रहे हैं बैठ जाओ भाई, ज्यादा उछलो मत, प्रॉब्लम है हम उछलते ज्यादा हैं, तो कभी कभी गिर जाते हैं उस बोट से बाहर, फिर साधु उठा के वापस लाते हैं, आ जा भाई डूबने वाला है तू। सो अगर आराम से बैठ जाओगे ना बोट में तो चलते रहोगे बस। सो भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो मैंने प्रोसेस बताया उसको करते रहो बस मृत्यु दम तक, सिंसियरली जितना यथाशक्ति। ऑफकोर्स सब पूरी तरह तो कर नहीं सकते, यथाशक्ति प्रोसेस करते रहो, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल करते रहो बस उत्साह के साथ, उत्साह के साथ करते रहो। और फिर भगवान कहेंगे बाकी मैं देख लूंगा, बाकी मैं देख लूंगा। सिंसियरली विदाउट डिप्लोमेसी इस लाइफ में कई टेस्ट भी आएंगे, जो आपको भगवान टेस्ट करेंगे, टेस्ट देंगे कि आप भक्ति छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे।
या ऐसे टेस्ट देंगे आप चेक करने के लिए कि आपकी भक्ति किस लेवल पे है, और फिर उसके साथ अगर आप सिंसियर हो गए तो शक्ति भी देंगे और रास्ता भी दिखाएंगे उससे निकलने का। कृष्णा विल टेस्ट यू। एक बार मेरे पास महाराज का मेल आया था, बहुत पहले, 10 साल पहले, और महाराज ने मेल पे लिखा था, एक लाइन थी बस, लिखा था कि क्या था कि पहला जो क्या था कि बी केयरफुल कृष्णा इज गोइंग टू स्टार्ट टेस्टिंग यू, फुल स्टॉप। मैंने पढ़ा ये क्या है, दैट्स ऑल, बस इतना ही था। मैंने कहा ये क्या है, ये मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया। बाद में मुझे समझ आया एक्चुअली क्या होने वाला है और क्या हुआ उसके बाद, बट समहाउ चीजें हो गई सॉल्व। मगर जो भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हुई थी, बट हो गई। सो ऐसा भी होता है। सो वो ही प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि वेल भगवान की शरण ले लो पूरी तरह, बिना भगवान के। वो कह रहे हैं कि मैं पतितम आसमान बिना केशव, बिना केशव के मैं इस एक मगरमच्छ के मुंह में गिर गया हूं जिसका नाम है लोभ। एक मगरमच्छ के मुंह में गिर गया हूं जिसका नाम है लोभ, और अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। भगवान भक्तेषु अभिधेक्षु अपि, मगर हे कृष्णा आप परम दया के सागर हैं, आप तो भक्तों की भी रक्षा करते हैं, तो जो हम तो थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं, हमारी क्यों नहीं रक्षा करिए आप। वो इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। सो दैट्स अ डिवोटी, दैट्स अ डिवोटी। वैसे प्रबोधानंद सरस्वती यहां पे लिख रहे हैं, वेल दिस इज अ फेमस वर्ड्स। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि बचपन में मैंने अपनी सारी उम्र खेलने में बिता दी। ये तो फेमस श्लोक है शंकराचार्य का, है नहीं, बाला तावत क्रीड़ा सकता, सारी सारी जीवन मैंने सारा बचपन खेलने में बिता दिया, और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सारा जीवन भोग करने में बिता दिया, जवानी, तरुणी तावत तरुणा सकता, और खेलने में बिताया और दूसरों के दरवाजे पे खड़े होकर उनकी नौकरी करने में बिता दिया सारी जवानी, और अब जब मेरा शरीर बिल्कुल ही जरा सा संप्रति तनु, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, ध्वस्त इंद्रिया नाम, मेरी इंद्रियां ध्वस्त हो गई हैं, अब मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, ना देख पा रहा हूं, ना बोल पा रहा हूं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता। भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रे कर रहे हैं, व्हाट्स दैट सॉन्ग, या मैं बूढ़ा हो गया हूं और कुछ नहीं कर पा रहा हूं, भक्ति विनोद ठाकुर भी गा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, हे कृष्णा अब मैं आपकी प्राप्ति कैसे करूं। द पॉइंट इज प्रबोधानंद सरस्वती हमें बता रहे हैं अर्जेंसी ऑफ टाइम, दैट्स द होल आइडिया। वैसे आज मुझे थोड़ा शॉक लग गया था ये मैं अपनी एज कैलकुलेट कर रहा था, एंड आई थिंक आई वॉज हाउ मेनी 42 ईयर्स, कम ऑन, दैट्स क्रेजी। मतलब 42 ईयर्स हो गई, सो पता भी नहीं लगा। और मतलब मैंने भक्ति कब शुरू की थी, 19 ईयर्स की एज में, 20 ईयर्स, 19 ईयर्स कुछ, 42 ईयर्स, एंड देन अब टाइम ही कितना बचा है, अब अगले 8 साल में 50 साल, माय गॉड, आप मुझे अंकल का हो गए। अंकल जी 50 ईयर्स क्या कहोगे आप, यूथ थोड़े ना कहोगे। और फिर उसके बाद 10 साल में और 60 ईयर्स, और फिर बस मरना है, दैट्स ऑल, फिनिश। 60 ईयर्स के बाद तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे, मोस्टली इस बॉडी में तो नहीं कर सकते, पहले के शरीर थोड़े स्ट्रांग थे, ये बॉडी तो 60 ईयर्स तक ढली जाएगी। 60 ईयर्स आप तब तो पहले के हो ना आदमी, तो आपकी चल रही है खाना। अब हम लोगों का मॉडर्न यूथ्स का क्या शरीर है, अभी बीमार रहते हैं सब, शक्ति आएगी ना, शीला
हाँ शायद आ जाए। सो 60 इयर्स के बाद ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बस 65-66 एंड देन यू हैव टू डाई। सो क्या मतलब इतना छोटा जीवन है, यू कैन इमेजिन। और कुछ भी नहीं किया हमने भगवान के लिए, जो भी किया बहुत ही कम है, तो क्या है, कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और हम कहाँ हैं भक्ति में, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। एग्जैक्टली कोई स्टैंडिंग अभी तक तो ज्यादा कुछ है नहीं। सो या दैट्स द पॉइंट इज टाइम इज लेस। वही तो कह रहे हैं, हाउ फार आई एम फ्रॉम वृंदावन, बहुत दूर है अभी हम वृंदावन से। बट अगर हम सिंसियरली करते रहे तो इसी लाइफ में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, एटलीस्ट प्रभुपाद का प्रॉमिस तो ये, और चैतन्य महाप्रभु को भी प्रॉमिस ही है कि अगर तुम मेरी शरण लोगे यथा रूप तो इसी लाइफ में मेरी प्राप्ति कर जाओगे। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवाकार जाच्छे, यू नो दैट सॉन्ग, पता है सबको कैसे शुरू होता है? नहीं पता आप लोगों को सॉन्ग? नित्यानंद के ऊपर है ना, नित्यानंद महाप्रभु पे, अक्रोधा परमा नित्यानंद राय, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवाकार जाच्छे, मतलब कौन कह रहा है, आई थिंक लोचंदन सरकार जो भी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने जो ब्रह्मा जी को भी कृष्ण प्रेम दुर्लभ है, आप आमर चंडाल चंडाल चंडालों को भी बांट दिया। दैट्स अ वेरी, मतलब कभी नहीं हुआ ऐसा, ना देखी ना सुनी, कभी देखा नहीं था कभी सुना नहीं था कि कृष्ण प्रेम ऐसे ही बांट दे, जो ब्रह्मा जी भी तपस्या करते रहते हैं प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो उन्होंने ऐसे ही चंडालों को बांट दिया, जानवरों को बांट दिया, लो भाई ले लो, एटलीस्ट उनको टेस्ट जरूर करा दिया। ऐसा नहीं है कि उनको प्रेम बांट दिया तो वो उनको प्रेम मिल गया, मतलब दैट्स नॉट द पॉइंट देयर, उनको टेस्ट जरूर करा दिया। ऑफकोर्स उनको प्रेम चाहिए हमेशा के लिए तो साधना करनी पड़ेगी, मतलब बिना साधना के भी एक स्वाद जरूर दे दिया सबको, वो भी नहीं हुआ कभी, कभी झलक ही नहीं मिली कृष्ण प्रेम की किसी को, महाप्रभु ने बिना साधना की झलक दे दी। ठीक है, झारखंड के जंगलों में जानवरों को भी महाप्रभु ने टेस्ट करा दिया कृष्ण प्रेम, सबको टेस्ट करा दिया कि जिससे एटलीस्ट उनको फिर उत्साह आ जाए कि मुझे चाहिए ये, यू सी द पॉइंट। फिर वो साधना का तरीका भी दे दिया और मिल भी सकता है इसी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृष्ण प्रेम आपको मिल जाएगा। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, माय लॉर्ड अब आपको जो अच्छा लगता है प्लीज करिए, निग्रह किम किम अकारिनाथ भावते यद रोचते तत्कुरु, मैंने कौन कौन से पाप नहीं किए, जो भी पाप संभव है वो सब किए मैंने इस जीवन में पिछले जीवन में, मगर अब यद रोचते तत्कुरु, अब जो आपको अच्छा लगता है प्लीज वो करिए। अगर आप मुझे उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए, अगर आप मुझे गिराना चाहते हैं तो गिरा दीजिए, अब आपके ऊपर है, मैंने आपकी शरण ले लिया, मैं चूज नहीं करूंगा, अब मैं चॉइस नहीं रखूंगा कि भगवान मुझे उठा लीजिए, अब तो आपके ऊपर चॉइस है, आप मुझे नरक में भेजना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे अपने पास लेना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू सी द पॉइंट। जब तक हम चूज करते रहेंगे तब तक हमें संसार में पड़े रहेंगे, यही तो गंदी आदत है हम लोगों की चूज करने की, मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, यू सी द पॉइंट। हमारा मन ऐसे सोचता है ना, मुझे चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, इसीलिए हम प्रॉब्लम में आते हैं, इसी को कहते हैं राग और द्वेष। ये चाहिए वो होता है राग, ये नहीं चाहिए वो होता है, बस यही तो है, यही सोचते रहते हैं हम। भक्ति में भी हमें सोचते रहते हैं, हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए, ऐसे ही सोचते हैं ना हम। बट एक्चुअली ये समय है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल एक ही चीज चाहिए, हमें केवल जो भगवान चाहते हैं वो चाहिए। इसलिए एक डिवोटी भगवान से प्रे करता है, भगवान आप बताइए क्या करना है मुझे, आप डिसाइड कीजिए मुझे कहां भेजना है, मैं नहीं चूज कर रहा, अगर आपको मुझे दुख देने में सुख मिलता है तो दुख ही दीजिए। दैट्स व्हाट राधा रानी इज सेइंग टू कृष्ण,
चैतन्य चरिता में तुमा क्या संस्कृत संस्कृत भूल गया हूं। सो अगर आपको मुझे दुख देने में सुख मिलता है तो मुझे दुखी दे दीजिए, क्योंकि आपकी सुखी मेरे लिए, क्योंकि क्योंकि जिस दुख में आपका सुख है वही दुख मेरे लिए सुख है। एक्चुअली सीता देवी ने भी राम को कहा था, जब राम भगवान ने सीता को बोला ना कि मैं मुझे वनवास मिल रहा है, मतलब उनको अनाउंस हो गया वनवास मिल रहा है, तो राम भगवान पहले सीता के पास ही गए और सीता से बोला, सीता मैं वनवास मिल रहा है और अब तुम मेरे लिए क्या कहते हैं छाल पेड़ की छाल वो अरेंज कर दो, मतलब वन में रहने के लिए कपड़े वैसे कर दो, और तुम यहाँ पे रहना और माँ की सेवा करना कौशल्या माँ और ये सब की। तो सीता देवी ने वहां पे कहा कि सीता देवी वहां गुस्सा हो गई, उन्होंने बोला कि मुझे इसका मतलब है आप मुझे प्रेम नहीं करते, एक छाया वस्तु से अलग कैसे रह सकती है। और सीता ने यह भी कहा कि मेरे लिए इस महल का सुख आपके बिना दुख है, और वन में आपका संग मिलेगा, हां कई दुख होंगे मगर वो दुख भी मेरे लिए सुख है क्योंकि उसमें आपकी सेवा है, यू सी। और फिर लक्ष्मण भी आ गए वहां, फिर लक्ष्मण ने भी कहा कि मुझे भी लेके चलिए आप। तो राम भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम्हारी तो वाइफ भी है। लक्ष्मण जी की वाइफ कौन थी? उर्मिला, फेमस है, मतलब फेमस है भी नहीं, कोई शी इज नॉट फेमस पर्सन, बट सो उर्मिला उन्होंने कहा तुम यहां पे रहो और फिर ध्यान रखो। तो लक्ष्मण जी तो गुस्सा ही हो गए, एक्चुअली सीता देवी भी गुस्सा हो गई थी। राम भगवान ने सीता देवी को कहा कि तुम मेरे तो मत चलो, सीता देवी बहुत गुस्सा हो गई। सीता देवी ने एक्चुअली बुरा भला भी बोला राम जी को वहां पर कि आप मुझे लाइक नहीं करते और आप, मैं पहले ही जानती थी कि आप ऐसे ही हैं, यू सी द पॉइंट, मतलब यू सी द पॉइंट, दिस इज टोटली डिफरेंट। आई मीन टू से अगर आज का हस्बैंड अपनी वाइफ को वनवास ले जाए तो वो जो अगर वो बोले चलो तब उस बुरा भला कहेंगे, अगर हस्बैंड कहे तुम यहां पे आराम से रहो, हाँ आप तो बड़े अच्छे हस्बैंड है आप जाइए मैं यहां पे कुछ भी कहूं, बट शी जस्ट वो ये कह रही है आप मुझे वन लेके नहीं जा रहे उसके लिए गुस्सा हो रही है, दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग। इसका मतलब है वो सिर्फ भगवान की सेवा पे फोकस्ड है, उनको कोई मतलब नहीं है दुख और सुख से, उनके लिए सेवा ही सुख है। सेवा सुख दुख परम संपदा, सेवा ही असली सुख है। तो उन्होंने गुस्सा कर दिया वहां, लक्ष्मण जी ने भी गुस्सा कर दिया। लक्ष्मण जी ने भी बोला कि आप जो भी बहुत उल्टी फुल्टी चीजें कहीं राम को कि आप मुझे नहीं ले जाना चाहते, आप ऐसे हैं, आप मुझे द्वेष करते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल दिया। सो कभी कभी क्रोध भी सेवा होती है, नहीं मतलब क्रोध कर रहे हैं बट एक्चुअली राम अंडरस्टैंड्स कि दिस इज देयर लव, नहीं दिस इज देयर लव। सो इसलिए भक्त के केस में भी ऐसे ही है, अगर भक्त को सेवा में दुख मिलता है वही उसका सुख है। तो दैट्स व्हाट प्रबोधानंद सरस्वती सेइंग कि अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे साथ क्या करें। एक लेवल के बाद डिवोटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता वो डिवोटी का क्या करें, उसको तो बस फोकस यही है कि भगवान खुश रहे। जैसे आई मीन टू जयदेव गोस्वामी के तो भगवान ने हाथ ही कटवा दिए, मतलब कुछ डाकू थे, डाकू उन्होंने जयदेव गोस्वामी के हाथ काट दिए और पैर काट दिए और कुएं में फेंक दिया। एक्चुअली असली में कुछ आचार्य कमेंट्री लिखते हैं कि वो डाकू भगवान कृष्ण ही थे, दैट्स इंटरेस्टिंग, भगवान ही थे वो, डाकू के रूप में आए थे, उन्होंने पकड़ा जयदेव गोस्वामी को और दोनों हाथ काटे, दोनों काटे और कुएं में डाल दिया। और कुएं में जयदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, कुएं में बोल रहे थे गोविंद गोविंद गोविंद, और कुएं में भगवान के लिए वो प्रेयर्स गा रहे हैं कि हे कृष्णा आप कितने कृपा के सागर हैं कि आपने मुझसे घटिया हाथ छीन लिए जिससे मैंने कितने पाप किए थे, और आप कितने दया के सागर हैं कि आपने मेरे पैर छीन लिए जिससे मैं कितने अशुभ जगहों पे गया था, ऐसी जगहों पे गया था जहां पे आपकी भक्ति नहीं है, और कितने दया के सागर हैं कि आपने मुझे अंधे कुएं में फेंक दिया जिससे मुझे घटिया संसार दिखाई ना दे। नाउ कोई कर सकता है यहां पर
ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये तो सुपर सुपर ह्यूमन है, बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी है। तभी जयदेव गोस्वामी जयदेव गोस्वामी थे। जयदेव गोस्वामी के पास तो साक्षात भगवान ही आए थे बाद में, उनके सॉन्ग्स भगवान ही सुन चेतन है। आप उनके सॉन्ग सुन रहे हैं, ऐसी थोड़े ना सुन रहे, चंदना चर्चिता, वो जो आप गाओगी वो की ट्यून थोड़े ना चल रही है, गाना थोड़े ना चल रहा है। अगर आप गा लो चंदन, अगर आप उनका सॉन्ग गा लो, भगवान सुनेंगे? कोई नहीं सुनने वाले, गाते रहो। क्योंकि वो सॉन्ग की बात नहीं है, वो तो उनकी भक्ति है उस सॉन्ग में जो भगवान सुन रहे हैं। सिर्फ सॉन्ग से क्या लेना देना है? ऐसे तो आप हरे कृष्णा बोल रहे हो, भगवान सुन रहे हैं पता नहीं। ऑफकोर्स सुन तो रहे हैं, मगर पॉइंट यह कि खुश है या नहीं उससे, पॉइंट इतना है। सुन तो सब कुछ ही रहे हैं, सुन तो सारे संसार की सारी चीजें सुन रहे हैं, बट पॉइंट ये खुश रहे हैं, खुश हैं या नहीं, तो उस सेंस में सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, दैट्स द होल पॉइंट। सो वो कह रहे हैं कि भगवान अब आप, तो इसलिए जीवन में कभी भी कुछ चॉइस मत रखना भगवान के सामने। अगर आप कुछ चॉइस रखोगे तो फेल हो गए आप, दैट्स ऑल। कि भगवान ऐसा होना चाहिए था, क्यों ऐसा होना चाहिए था? नहीं, एक डिवोटी का मेरे पास मेल आया था, तो उन्होंने मेल मुझे लिखा था, हरे कृष्ण, या जस्ट ऑफ इट। सो एक डिवोटी का मेल आया था, उसने मुझे मेल लिखा कि प्रभु जी, मतलब एक और डिवोटी थे, उनके साथ कुछ हो गया था, तो उन्होंने मुझे लिखा कि प्रभु जी भगवान ने ऐसा क्यों किया डिवोटी के साथ, अगर वो ऐसा नहीं करते तो कितना अच्छा रहता। तो मैंने फिर आंसर लिख के भेजा कि भगवान के डिसीजंस पे क्वेश्चन मत लगाओ, भगवान जो कर रहे हैं वो जानते हैं क्या कर रहे हैं, है नहीं? सो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, दैट्स अ बेस्ट थिंग, दैट्स अ बेस्ट थिंग। कभी अपने माइंड में चॉइस मत करना कि भगवान मुझे प्लीज शांति दीजिए, सुख दे दीजिए, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, हम कहते ही हैं कृपा कर दीजिए, बट विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि अगर भगवान कृपा नहीं भी करे तो भी वो कृपा है। इसी द पॉइंट देयर, भगवान की कृपा नहीं करना भी कृपा है, बस भगवान का सब कुछ कृपा है, भगवान ऐसे हैं। तभी तो वो है कि सॉन्ग है, भगवान का धोखा देना भी कृपा है, भगवान का अप्रकट होना भी कृपा है, प्रकट होना भी कृपा है। सो दैट्स व्हाट ही सेइंग, कृष्णा नाउ यू डिसाइड व्हाट टू डू। सो प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं यहां पर, ओ माई लॉर्ड प्लीज रिमूव माई डिजेक्शन तस्माद गंतुम यह कलंदितनया। मेरे अंदर जो भी डिजेक्शन समझते हो आप लोग, डिजेक्शन कैसे कहते हैं, डिजेक्शन क्या होता है, डिजेक्शन कैसे कहेंगे, हरे कृष्ण, ट्रांसलेटेड इट एनी वे, जो मेरे अंदर जो भी शोक है उसको प्लीज हटा दीजिए, मेरे अंदर जो भी संसार से आ सकती है प्लीज उसको हटा दीजिए। वो प्रे कर रहे हैं ऐसा, आप जितना चाहते हैं उतना हटा दीजिए। नाउ दैट्स द होल पॉइंट, जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरह हटा दीजिए, इट्स अप टू यू। आप जितना चाहते हैं आप प्लीज उसको हटा दीजिए, आप जितना समझते हैं मेरे लिए अच्छा है आप प्लीज उसको हटा दीजिए, और मुझे अपने चरणों में यमुना जी के तट पे स्वीकार कर लीजिए। नाउ दैट्स व्हाट ही सेइंग, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं यमुना जी के तट पे आपके दर्शन करना चाहता हूं। नाउ दैट्स एक्चुअली रूप गोस्वामी भी यही लिख रहे हैं, दैट्स व्हाट ही सेइंग। रूप गोस्वामी तो खैर उल्टा लिख रहे हैं, वो तो उल्टा ही लिख रहे हैं, हाँ वो तो क्या कह रहे हैं कि यमुना जी के तट पे भगवान के दर्शन कर मत लेना, ये कर लोगे तो वापस लौट के घर आओगे नहीं, छूट जाएगा संसार। वो तो बल्कि उल्टा कह रहे हैं, दैट्स हाउ इट गोस। सो दिस प्रबोधन सरस्वती ही इज राइटिंग देयर एनीवे, वो और बाकी श्लोक अपनी दीनता में कह ही रहे हैं, आप ये पढ़ सकते हो ये बुक बाद में। द आइडिया ये है, सबसे बड़ा विवेक है
भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। विवेक यही कहता है, किसी तरह भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर लो, और वो तब आएगी जब हम दीन बनेंगे, और दीनता तब आएगी जब आप अपनी चॉइसेस रखना बंद कर दोगे। वो दीनता है, भगवान मेरी कोई चॉइस नहीं है, आपको जो करना करिए। प्रभुपाद ने भी ये प्रे किया था, कृष्णा जब प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे, पोएम लिखी नहीं लिखी थी कि कृष्णा प्लीज मेक मी डांस लाइक अ पपेट, मुझे नहीं पता आप मुझे अमेरिका क्यों लेके आए हैं, अब आप मुझे कठपुतली की तरह नचाइए और मैं नाचने को तैयार हूं। सो सरेंडर में जो मजा है वो इंडिपेंडेंस में नहीं है। आप अच्छा मुझे बताइए, एक मतलब एक छोटा बच्चा कितना खुश रहता है, है नहीं? छोटा बच्चा तो मतलब पूरा ही पूरा हमेशा ही खुश रहता है, बिल्कुल छोटा छोटे 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 बच्चे होते हैं 5-6 साल के, कोई लेना देना नहीं इसको दुनिया से, चाहे उसके पेरेंट्स पूरे टेंशन में, वो खुश है, ऐसे ही है ना? क्यों खुश है? क्योंकि वो पूरी तरह पेरेंट्स पे शरणागत है, पूरी तरह डिपेंडेंट है, इसलिए खुश है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे दुख होना शुरू हो जाते हैं, नहीं? क्योंकि वो पेरेंट्स पे डिपेंड होना कम कर देता है, सिंपल सी बात है। सो डिपेंडेंस में मजा है, डिपेंडेंस में हैप्पीनेस है, इंडिपेंडेंस में हैप्पीनेस नहीं है। मगर संसार का प्रोपोगेंडा बिल्कुल उल्टा है, इंडिपेंडेंट बनो यही कहते हैं ना लोग, अपने पैर पे खड़ा हो, कहते नहीं अपने पैर पे खड़े हो जाओ, ठीक है खड़े हो जाओ, कौन मना कर रहे फिर देखो क्या होगा माया टांग ऐसा तोड़ेगी ना दूसरी ओर खड़ा नहीं हो पाओगे। जो भगवान की शरण नहीं लेते, गरुड़ पुराण में लिखा है कि माया उनको झुका देती है, खड़े रहते हैं ना वो, अपने पैर पे खड़े हुए हैं ना, ठीक है भैया, फिर झुका देते, तो फिर वो चारों हाथ पे और पैर पे दोनों पे खड़े रहते हैं, झुक जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। दैट्स ऑल, जानवर मतलब क्या है, झुक जाओ तो फिर चारों पे चलना पड़ता है। सो क्या ये सब कॉन्सेप्ट गलत है? दिस कॉन्सेप्ट इज फुली रॉन्ग। जो जितना डिपेंडेंट है भगवान पे उतना ही खुश है, भगवान पे और डिवोटीज पे, दैट्स व्हाई इट गोज, उतने ही आप संसार में खुश रहोगे, बस यही है। सो यही सीखने के लिए हम यहां पर हैं, यही सीखने के लिए हम यहां पर हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती यही कह रहे हैं भगवान से, सो भगवान को स्वीकार कर रहे हैं अपने मास्टर के रूप में। सो दैट वी हैव टू लर्न, और वो धीरे धीरे अगर हम भागवत पढ़ते रहेंगे, भक्तों के बारे में पढ़ते रहेंगे। शिला फ्रियर प्रभुपाद भी बार बार कहते थे, प्रभुपाद अमेरिका गए, प्रभुपाद ने भगवान से प्रे की, भगवान मुझे नहीं पता आप क्यों लेके आए हैं। प्रभुपाद रशिया गए दो दिन के लिए सिर्फ, उनको वीजा लगा था क्योंकि उस टाइम रशिया जाना बड़ा मुश्किल था, कम्युनिस्ट कंट्री थी, नहीं तो प्रभुपाद ने बोला था रशिया में जाकर कि भगवान मुझे नहीं पता आप 2 दिन के लिए मुझे क्यों लेने आए, जरूर आपको कोई बड़ा काम होगा। और प्रभुपाद ने रशिया में एक आदमी को प्रीचिंग की थी, बस एक आदमी को, मतलब एक आदमी नहीं, एक लड़का सड़क पर मिल गया था उनके असिस्टेंट को, प्रभुपाद जी के असिस्टेंट को, तो उसने वो प्रीच करके आए थे, हम सदूत प्रभु थे, कौन थे प्रभुपाद के असिस्टेंट, तो वो प्रीच करके उस लड़के को लेके आ गए थे प्रभुपाद के पास, और प्रभुपाद ने उसको बताई गीता थोड़ी बहुत, उसको अच्छा लगा, तो प्रभुपाद ने उसको रात को अपने साथ बोला कि तू मेरे साथ ही सो रात को, और प्रभुपाद पूरी रात में प्रभुपाद ने उसको पूरी गीता पढ़ाई, धोती पहनना सिखाया, तिलक लगाना, चैंटिंग करना सिखाई, ऑफरिंग करना, सबको सिखा दिया एक रात में, हरे कृष्ण पूरी सब कुछ, और फिर अगले दिन प्रभुपाद चले गए। और उस लड़के ने पूरे रशिया में रेवोल्यूशन शुरू कर दिया, क्योंकि वो लड़का एक्चुअली मिलिट्री कमांडर का बेटा था, तो उसको इतना डर भी नहीं था, कम्युनिस्ट कंट्री थी, और फिर उसने 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 मतलब उस टाइम इल्लीगल था नहीं ये सब, गीता बीता ये सब रिलीजन, दूसरा रिलीजन, तो उसने इल्लीगली गीता का छाप छाप के दूसरों को देने लगा, लिख लिख कर देते थे, और फिर ऐसे करते 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 मूवमेंट कहां से कहां पहुंच गया, प्रभुपाद के एक दिन रशिया जाने की वजह से,
एक दिन ही, दो दिन सिर्फ, दो दिन, दैट्स ऑल, दो दिन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रभुपाद पूरी तरह भगवान पे निर्भर थे। प्रभुपाद ने कहा, भगवान मुझे नहीं पता आप क्यों लेके आया मुझे। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद, वो प्रभुपाद कई बार रोज अपनी बुक पढ़ते थे, अपनी बुक ही सुनते थे रोज शाम को, कोई प्रभुपाद की बुक ही प्रभुपाद के लिए पढ़ते बोलता था, प्रभुपाद सुनते रहते। और प्रभुपाद अपनी बुक देख के चकित भी होते, अच्छा ओ ऐसा है। डिवोटीज, एक डिवोटी ने पूछ लिया, प्रभुपाद आप अपनी किताब सुनते रहते हो और उसी पर चकित होते रहते हो, चक्कर क्या है ये? प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज मैंने नहीं लिखी है ये। तो डिवोटी सोच रहे थे कि शायद प्रभुपाद मतलब पोएटिक लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि मैंने नहीं लिखी है, भगवान ने प्रेरणा दी है, वो ऐसा सोच रहा था। कि प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली लिटरली कृष्ण भगवान ने लिखी है, मैंने लिखी नहीं, इसलिए मैं सुनता हूं अपनी किताबें। दैट्स एक्चुअली प्रभुपाद इज सेइंग दैट। सो क्यों ऐसा था? भगवान क्यों प्रभुपाद के थ्रू लिख रहे थे? क्यों प्रभुपाद को लेके जा रहे थे इधर उधर? प्रभुपाद को इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, अभी वो एक सेइंग है, कन्फ्यूशियस ने बोला है कि इफ यू टोटली सरेंडर टू हेवन्स, द हेवन्स विल यूज यू एज अ वुड टू रिंग, एज अ वुडन क्लैंप ऑफ द बेल टू रिंग इट, टू रिंग द बेल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब आई नो आपको, मतलब हिंदी में है कि अगर आप पूरी तरह भगवान को सरेंडर कर दोगे तो भगवान आपको अपना एक, भगवान आपको अपनी घंटी की तरह इस्तेमाल करेंगे पूरे संसार में अपने नाम का आवास करने के लिए। दैट्स कृष्णा विल डू दैट, बट यू हैव टू सरेंडर, दैट्स अ होल पॉइंट। सो वो कैसे करें सरेंडर, वो तो आपको पता ही है कैसे करना है, नहीं मगर कर नहीं पाते, प्रॉब्लम ही है। पता सब कुछ है बट अप्लाई नहीं कर पाते हम लोग, बट एनी वे करते रहो, दैट्स ऑल। आप जितना किताबें पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, देख लेना आप, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। अच्छी तरह चैंटिंग करो, पढ़ो। मतलब आप लोगों के केस में तो पैसे, मतलब एक कॉन्ग्रीगेशन में तो टाइम भी कम होता है और प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, सो आप टाइम निकाल के डिस्कस करो भगवान के बारे में, डोंट वेस्ट टाइम। मतलब मेरी तो 42 हुई है, आपकी कितनी हो गई? मुझसे तो सब ऑलमोस्ट बड़े, मतलब सब तो नहीं, काफी लोग छोटे भी हैं, काफी लोग एजेड भी हैं, 50। आपकी कितनी है राजेश? 49 है। और कुछ यूथ्स हैं चलो यहाँ पर, दृश्य कृष्ण हुई कितनी है? 62। आपकी, आप तो गए 62। आपकी भी 60 हो गई। 60 के बाद एक ना इमरजेंसी लाइन शुरू हो जाती है, इमरजेंसी घंटी बन जाती है, कभी कुछ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब बॉडी का क्या पता, इसे कुछ नहीं पता ना। सो या डोंट डू एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सुना है गांधी ने किताब लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, डोंट डू दैट। भगवान ने टाइम दिया, उसको इस्तेमाल कर लो, दैट्स हाउ वी शुड। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आई विल स्टॉप हियर बिकॉज देर आर सम थिंग्स टू डू नाउ। कुछ कहना है? अब कहने को बनते ही नहीं, आप कुछ तो कहोगे क्या? क्या कह रहे हो गाँव में? या चूज नहीं करते हम कुछ, तो हम घर बैठे रहेंगे, यहाँ भी चूज नहीं करते, एकदम ही जाते घर बैठे हो कि या चूज नहीं करते, क्या है ये? तो कुछ समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? सिलेक्शन में नहीं आना, दिल कर रहा है घर बैठे रहो, चूज क्या कर रहा हूँ, बाजार से ले जाऊँ? ये आपका लॉजिक उल्टा चल रहा है। चूज नहीं करना तभी तो लेक्चर में आना है, लेक्चर में आना ड्यूटी है, चूज करके आप इसको छोड़ोगे, है नहीं? लेक्चर में आना चॉइस नहीं है, वो तो आना ही है। जब चूज करना शुरू करोगे तब सोचोगे मुझे छोड़ना है। दिस इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी, हर मनुष्य की ड्यूटी है भगवान की कथा सुनना, ये रूल है।
तो इसमें कोई चॉइस ही नहीं है, दैट्स ऑल, जो करना करना है। समझ गए नहीं समझ गए? दैट्स हाउ इट गोज। जो लॉ है वो फॉलो करना है। लॉ है कि मनुष्य वो है जो भगवान का नाम लेगा, मनुष्य को भगवान का नाम लेना है, मनुष्य को कथा सुननी है, तो वो करना है, दैट्स ऑल, नो चॉइस। ठीक है नहीं ठीक है? दैट्स हाउ इट गोज। ओके सो या विल स्टॉप है, अगर हो गया तो नाउ विल। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।